नमस्कार दोस्तों. सो इस द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द वर्जर बाय सॉमरसेट मॉघम एंड वी वर हियर. अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो हम लोग यहाँ थे. अल्बर्ट स्टार्टेड टू लुक फॉर ए सिगरेट शॉप. सिगरेट शॉप अल्बर्ट ढूंढ रहे थे. ही टर्न इनटू ए लॉन्ग स्ट्रीट वेयर देयर वर मेनी शॉप्स. और वो एक लंबी गली में गए जहाँ की बहुत सारे शॉप्स थे. देयर वर बेकर शॉप्स एंड बुचर शॉप्स. वहाँ ब्रेड की बिस्किट की दुकानें थी, मांस मछली की दुकानें थी, बुचर्स की दुकानें थी. देयर वर शूज शॉप्स एंड हैट शॉप. बट देयर वर नो शॉप्स विच सोल्ड टोबैको और सिगरेट. तो कोई शॉप उधर ऐसी नहीं थी जो कि टोबैको और सिगरेट बेचती हो. अल्बर्ट वॉक्ड ऑल द वे होम बट ही डिडंट फाइंड ए सिगरेट शॉप. और वो पूरे रास्ते चलते रहे और सिगरेट ढूंढते रहे और घर भी पहुँच गए लेकिन उन्हें सिगरेट नहीं मिला. आई हैव लॉस्ट माई जॉब ही टोल्ड हिज वाइफ व्हेन ही गॉट होम. और जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं अपना जॉब खो चुका हूँ. आई हैव लॉस्ट यू हैव लॉस्ट योर जॉब, सी सेड इन सरप्राइज. व्हाई, क्यों, क्या हुआ, तुमने कैसे अपना जॉब खो दिया. द न्यू वीकर वॉन्ट्स ए वर्जर हु कैन रीड एंड राइट, रिप्लाइड अल्बर्ट. और अल्बर्ट ने कहा कि जो नया वीकर है, नया पादरी है, वो ऐसा वर्जर चाहता है जो कि लिख पढ़ सके. बट वॉट आर यू गोइंग टू डू, लेकिन अब तुम क्या करोगे, आस्क अल्बर्ट्स वाइफ. और अल्बर्ट की वाइफ ने पूछा. यू आर ओवर 40 नाउ, और तुम्हारी उम्र तो अब 40 साल के ऊपर हो चुकी है. यू वॉन्ट फाइंड ए न्यू जॉब ईजिली, और तुमको अब कोई नौकरी पे जल्दी नहीं रखेगा. आई हैव एन आइडिया, सेड अल्बर्ट. और अल्बर्ट ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है. ऑन द वे होम मैं जब रास्ते में आ रहा था, आई वॉन्टेड टू स्मोक ए सिगरेट, और मैं एक सिगरेट पीना चाहता था. बट देर वॉजेंट ए सिगरेट शॉप, लेकिन कोई सिगरेट शॉप उधर नहीं था. How many other people have wanted a cigarette in this part of London? और बहुत सारे ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि इधर सिगरेट पीना चाहते होंगे, लेकिन सिगरेट का शॉप है ही नहीं इधर. A lot of people, replied wife. हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो सिगरेट पीना चाहते होंगे. And they can't buy them here. और वो उनको यहाँ नहीं मिलता है, said Albert. Now how much money we have saved? और मुझे बताओ कि कितना मनी हम लोगों ने सेव करके रखा है, जमा करके रखा है. Albert and his wife had always been careful. Albert और वाइफ थी, हमेशा केयरफुल जीवन जी थी. कम खर्च में वे लोग जीवन यापन किए थे. और दे हैड सेव्ड अप ए लिटिल मनी एवरी वीक. और हर हफ्ते कुछ न कुछ उन्होंने बचाया था और बचा के पैसे रखे थे. वी हैव इनफ, सेड अल्बर्ट. हम लोगों के पास काफ़ी है. व्हेन दे हैड काउंटेड द मनी. इनफ फॉर व्हाट, आस्क्ड हिज वाइफ. किस लिए इनफ है. टू ओपन ए सिगरेट शॉप. और अल्बर्ट ने कहा कि हम लोग सिगरेट शॉप खोलेंगे. At the end of the month, the Albert Foreman left St. Peter's forever. और उस महीने के अंत में Albert Foreman ने St. Peter's Church हमेशा के लिए छोड़ दिया. और he opened a shop and sold cigarette. और वहाँ से उन्होंने सिगरेट बेचना शुरू किया. Many people came into his shop because it was the only one in the street. और बहुत सारे लोग वहाँ आते थे क्योंकि वो एकमात्र दुकान थी उस स्ट्रीट में. He began to sell other thing. और वो शुरू किया उन्होंने और भी चीज़ें उससे रिलेटेड बेचना. But they were all things for smokers. और सिर्फ स्मोकर्स के लिए ही वो चीज़ों को रखते थे. ही सोल्ड सिगार्स एंड मैचेस. और वो सलाई
मैच बॉक्स, सिगार्स और पाइप्स बेचते थे टोबैको के साथ साथ। एंड एवरी वीक द शॉप बिकेम बिजियर, और हर हफ्ते जो शॉप था वो बिजी होता चला गया। आफ्टर ए ईयर, और एक साल के बाद, आफ्टर एल्बर्ट शॉप वॉज मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी, और उसके बाद एल्बर्ट काफ़ी कमाने लगे, उनकी दुकान से काफ़ी अर्निंग होने लगी। देन एल्बर्ट हैड अनदर आइडिया, और तब उनको एक अनदर आइडिया आया। वो कौन सा आइडिया था? वाई डोंट वी ओपन अनदर शॉप, क्यों हम दूसरी शॉप क्यों नहीं खोलते हैं, ही सेड टू हिज वाइफ। हिज वाइफ अग्रीड विद हिम। एल्बर्ट फोरमैन वॉक्ड अराउंड लंदन, और एल्बर्ट फोरमैन जो है लंदन को घूमने लगे, और एट लास्ट ही फाउंड ए लॉन्ग बिजी स्ट्रीट विथ नो सिगरेट शॉप, और उनको एक ऐसा स्ट्रीट मिली गया जहाँ पे कोई सिगरेट शॉप नहीं था। एल्बर्ट ओपन्ड अनदर शॉप इन दैट स्ट्रीट, और एल्बर्ट जो है एक और दुकान उस स्ट्रीट में खोल दिया। ए यंग मैन वर्कड इन द शॉप फॉर हिम, और एक लड़का उस शॉप में उनके लिए काम करता था। द शॉप सून बिकेम वेरी बिजी, और वो भी दुकान अच्छी चलने लगी। एल्बर्ट डिड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। आफ्टर 10 years ही ओन्ड 10 cigarette shops, ऑल ऑफ देम वर वेरी बिजी, एंड एवरी वीक एल्बर्ट पुट मोर एंड मोर मनी इन टू द बैंक, और धीरे धीरे वो बहुत बिजी हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा मनी वो बैंक में रखने लगे। When Albert was in the bank, one day a bank clerk spoke to him. जब एक दिन वो बैंक में गए थे तब बैंक के क्लर्क ने उनसे पूछा, Excuse me, Mr. Foreman, said the clerk. The manager wants to speak with you. Can you see him? तो उस क्लर्क ने कहा कि मैनेजर आपसे मिलना चाहता है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो एल्बर्ट ने कहा, ऑफ कोर्स, एंड ही वेंट इन टू द मैनेजर्स ऑफिस। द मैनेजर वॉन्टेड टू टॉक टू एल्बर्ट अबाउट हिज मनी, और मैनेजर उनसे उनके मनी के बारे में बात करना चाहता था। यू हैव लॉट ऑफ मनी इन द बैंक नाउ, सेड द मैनेजर, कि आपके पास तो अब बहुत सारे पैसे हो गए हैं बैंक में। तो एल्बर्ट ने कहा, येस आई नो, रिप्लाइड एल्बर्ट, इट्स सेफ इन द बैंक, आई डोंट नीड द मनी। तो उसने कहा कि मैं पैसा नहीं चाहता हूँ, ये बैंक में सेफ है। द मनी इज़ सेफर हेयर, मैनेजर ने कहा कि ऑफकोर्स योर मनी इज़ सेफ इन योर बैंक, इन आवर बैंक, सेड द मैनेजर, बट ए बैंक डजंट पे मच इंटरेस्ट, लेकिन बैंक जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। You can buy shares in business and make more money. आप जो है shares को ख़रीद सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। I don't know anything about things like that. और तब उन्होंने कहा, फोरमैन ने कहा, एल्बर्ट फोरमैन ने, कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। I will need help. मेरे को किसी की सहायता चाहिए। I will help you, said the manager. मैनेजर ने कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगा। The manager gave Mr. Foreman a piece of paper with lots of writing on it. और बहुत सारी चीज़ें जिस पेपर में लिखी हुई थी, ऐसा पेपर दिया। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होंगे। यू मस्ट साइन हेयर, और मैनेजर ने कहा कि आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। देन आई कैन डू एवरीथिंग इज फॉर यू, और तब मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एल्बर्ट पिक्ड अप ए पेन एंड पुट ए लार्ज क्रॉस एट द बॉटम ऑफ द पेपर, और उन्होंने एक क्रॉस बना दिया सबसे पेपर के नीचे। तो why have you made this mark, asked the manager. मैनेजर ने पूछा कि आपने ये मार्क क्यों दिया है। Why didn't you sign it with your name, क्यों आपने साइन नहीं किया, सिर्फ मार्क दिया। Because I can't read and write, replied Albert simply. और एल्बर्ट ने कहा कि मैं चूँकि पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने मार्क दे दिया है। द मैनेजर सैट बैक इन हिज सीट, और मैनेजर बैठ के फिर बात करने लगा। उसने कहा, यू आर ए रिच मैन, मिस्टर फोरमैन, सेड द मैनेजर, एंड येट यू कैनॉट रीड एंड राइट। इफ़ यू कुड रीड एंड राइट, यू वुड बी ए मिलियनर।
तो उस बैंक मैनेजर ने कहा कि आप अभी बहुत ही अमीर आदमी हैं फोरमैन, मिस्टर फोरमैन, लेकिन आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ लिख सकते तो शायद आप एक मिलियनर होते, करोड़पति हो गए होते। अल्बर्ट फोरमैन लाफ्ड लाउडली और अल्बर्ट फोरमैन जो थे हंस रहे थे। द मैनेजर लुक्ड सरप्राइज्ड और मैनेजर जो है वो सरप्राइज था। आई एम रिच बिकॉज आई कैनॉट रीड एंड राइट, रीड और राइट। मैं अमीर हुआ क्योंकि मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। यही को इंसिडेंस मेरी ज़िंदगी में रहा, सेड अल्बर्ट स्माइलिंग। इफ़ आई कुड रीड एंड राइट आई वुड बी पुअर, और अगर मैं पढ़ लिख सकता तो मैं गरीबी रहता। हो सकता है आई वुड बी स्टिल बी वर्जर एट सेंट पीटर्स चर्च इन द निवेल स्क्वायर। तो हो सकता है कि मैं अभी भी सेंट पीटर्स चर्च में एक वर्जर के रूप में काम करता होता। मैंने बिजनेस में अगर हाथ नहीं लगाया होता, अगर मेरी नौकरी नहीं छूटी होती, तो मैं गरीब ही रह जाता। तो इस कहानी में कई चीज़ें सीखनी हैं, जैसे कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, नेवर लूज होप, और हमेशा कोई ना कोई वे आउट निकल आता है। और हमें जो है ये देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मिस्टर फोरमैन ने देखा कि सिगरेट का शॉप नहीं है, तो उन्होंने सिगरेट का शॉप खोल लिया और ही बिगेन टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। तो कहाँ पे क्या कमी है उसको देखने वाला जो है, और जो नए काम को करता है, नए तरीके से करता है, इन्वेस्ट करता है, एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है कभी कभी, और कभी कभी उसको हारना भी पड़ता है। तो नेवरतलेस कभी ज़िंदगी में हारिए नहीं। फेल्योर और डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट को दूर रखिए और हमेशा मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। सो इसी के साथ मैं इस स्टोरी को समाप्त करता हूँ। हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी, कैसी लगी है स्टोरी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।